वंस, एट की वैल्यू क्या है वंस, यानी कि ओनली सिंगल एट, और टू टेंस की प्लेस पर है, दैट मींस टू टेन यानी कि ना होगा 20, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 20, दैट मींस टू टेन. नाउ यू चिल्ड्रन, आपकी समझ में ये आगे गया होगा राइट कि क्या होती है. मैंने अगर यहाँ पर लिखा है 32, दिस इज ऑन द वन प्लेस एंड 3 इज ऑन द टेंस प्लेस, तो 2 की वैल्यू क्या होती है 2 1s, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 3 10s, दैट मींस 30. राइट चिल्ड्रन, समझ में आया? अब अभी हम आगे बढ़ते हैं. नंबर्स ऑन अबेकस, लास्ट टाइम हम के चैप्टर में आपको अबेकस के बारे में इंफॉर्मेशन दी राइट, हाउ टू प्लेस द बेस इन द अबेकस. आज हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. हियर आई विल ड्रॉ एन अबेकस. आई वांट टू प्लेस 541 ऑन द अबेकस. 541 मैं अबेकस में कैसे करूंगी? तो 1 कौन सी प्लेस पर है? 1 की प्लेस पर है, तो मैंने यहां पर 1 सर्कल किया यानी कि 1 रिंग बनाया. 4 इट इज ऑन द टेंथ प्लेस, 1 2 3 4 4 सर्कल्स, एंड 5 इट इज ऑन द 100th प्लेस, 1 2 3 4 एंड 5, तो इट रिप्रेजेंट्स 541 ऑन द अबेकस. इन द सेम वे if I want to place 211 on the abacus, कैसे करूंगी मैं? मैं यहाँ 100 प्लेस पे 2 रिंग डालूंगी, 1 and 2 rings, right? 211, तो 11 tens में 1 और 1s में भी 1, it represents 211 on an abacus. Similarly, 321. So, 1 ring, 2 ring and 1 more, 3. 3 rounds. 21. 1 ring is over here. I will place 1 ring. So, and 1 is 300. 3 rings, 2 rings and 1 rings. It represents, it shows the 321 man of a kaspe banana. Hey. Aya samajh mein. Now, we are going to learn comparison of numbers. दो नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ये आज हम सीखने वाले हैं. चलो मैं आपको बताती हूँ ये दो नंबर्स. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस फिश इन योर माइंड. आपके माइंड में ये फिश का डायग्राम मतलब अच्छे से ला लो. ये जो है ना फिश का माउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये कहाँ खुलता है? जहां पर बड़ा नंबर होगा वहां इस तरह से हमें सिंबल करना है. आप सबने सिंबल्स देखे होंगे, पढ़े होंगे, 1 2 एंड 3. अभी ये क्या है? पूरा फिश का माउथ. ओके, किस तरफ खुलेगा? बड़े नंबर की तरफ. चलो, द माउथ ऑफ द फिश ओपन टुवर्ड्स अ ग्रेटर नंबर. समझना ना इतना. मैं आपको दो नंबर्स के समझाती हूँ. आई विल राइट 542 and the other number is 245. यहाँ पर मैं, तो मुझे ये सिंबल करना है, ये सिंबल करना है, ये करना है. This is equal to दो नंबर सेम. Of course दो नंबर सेम. Not same. These two numbers are not same. So I want to open the mouth of the fish. This way? No. Yes. 500. मैं ये कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? इस तरह से. तो ये हो गया फिश का माउथ. 500 का तरफ खुला है, दैट मींस दिस नंबर इज ग्रेटर नंबर, राइट? आप सबकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा. आई विल राइट 111 111. ओके, सो डियर चिल्ड्रन, दिस टू नंबर्स आर सेम, सो आई विल इज इक्वल टू. जब दोनों नंबर सेम हो तो हमें ये साइन करनी है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्सपांडेड फॉर्म. व्हाट इज एक्सपांडेड फॉर्म? जब एक
Okay, this is in short form. ये कौन सा form है? Short form. Short form से हम चाहेंगे expanded form की तरफ. तो 900 test पर है, 100 की test पर है, that is why we will write 900. 7 is on case of 10, that is 70, and 2 is on the case of 1. So when you add these numbers, you will get 972. So this is a short form and this is called an expanded form. I want to explain you very nicely so that you can learn very well. Here I have made a chart for you, dear children. I want to show the same number on the chart. How will I represent? This is 100th place, this is 10th place, and this is 1st place. The number is 972. So I will turn this circle and this 900 will come on the 100th place. Here I will turn this and place 70 on the 10th place. And here it is 2. So I will just turn this and move this. Sorry, dear children. And here it is 1. So I will take 2 on the 1's place. So you can see 972 on this chart. In the same way, you can learn the place value very nicely if you keep on doing practices. So dear children, practice makes a person perfect. जितनी अच्छी आप perfect practice करोगे, आप बहुत ही perfect student बनोगे और perfect इंसान बनोगे. The more and more you have to do practice. तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप सबको ये chapter अच्छे से समझने आ गया होगा. Now, one thing more which I would like to explain, and that is ascending order and descending order. It is very important. Let me come to this. Ascending and descending order. What is this, dear children? It can be. फिर उससे बड़ा 900 है.
Dear children, please keep on doing practices. Jitni zyada practice karoge, utni zyada perfect hoge. So, we will soon meet in our next chapter, in our next class.